हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग में देखता। इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। ज़्यादा मीठा खाने के बाद, बहुत सारा तला हुआ फ्राइड खाने के बाद, आप वो जो वेट पुट ऑन करते हैं ना, 2 to 3 kgs ऑन एन एवरेज आप एक वीक में पुट ऑन कर सकते हैं, उसको आप कट शॉर्ट यानी उसको कम कैसे कर सकते हैं, वापस से नॉर्मल पे कैसे आ सकते हैं। जो टी आज मैं बताने वाली हूँ, दिस टी इज़ वंडरफुल, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है वो सब आपकी किचन पैंट्री में मिल जाएंगे। आपको इस टी को 3 बार कंज्यूम करना है दिन में पोस्ट योर फेस्टिवल्स। इफ़ यू फील कि आपने दिन में भी बहुत हैवी खा लिया है, रात को बहुत हैवीनेस हो रही है, तो आपको रात को सोने से पहले भी इसको कंज्यूम करना है। ये टी रेगुलरली आप कंज्यूम करते रहें 1 हफ्ते तक, वो जो आपने पुट ऑन किया है ना एक्स्ट्रा 2 से 3 kgs, वो इजिली श्रेड आउट हो जाएगा। डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये टी बनाने के लिए हम सबसे पहले गर्म पानी लेंगे, एकदम बॉयलिंग वाटर लें। उसके बाद इस तरह का ना ये ग्रीन टी स्ट्रेनर आता है, मार्केट में मिल जाता है बहुत इजीली, वो लें। इसके अंदर हम रॉ टर्मरिक ये ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जिंजर ऐड किया इसके अंदर। उसके बाद एक्चुअली जाएंगे लेमन, अगर आपके पास लेमन है, इस तरह से लेमन आप इसमें डालते हैं। लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं अगर लेमन नहीं है। डिकॉक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद सिनेमन, ब्लैक पेपर और कार्डमम हम इसके अंदर डाल देंगे। बेसिकली होल मसाला जो आपके होते हैं, सिनेमन बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए भी। और उसके बाद इसको आप ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह से ये डिकॉक्शन रेडी हो जाएगा। ये जो ऊपर का स्ट्रेनर है इसको आप निकाल देंगे और इस टी को आप कंज्यूम करेंगे। सेम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं, इनको फेंके नहीं, इनको रख लें, क्योंकि आप इसको 2 से 3 बार तक एक दिन में इजीली यूज कर सकते हैं। बस गर्म पानी डालना है, ढक के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए और इसको कंज्यूम करना है। एकदम गर्म ही कंज्यूम करें, तभी इसका फ़र्क पड़ेगा, इफ़ेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 से 3 दिन के अंदर ही। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी ग्रीन टी की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं चैनल के ऊपर, उनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलें। डेली शॉर्ट्स आते हैं मेरे चैनल पर, उनको भी आप ज़रूर देखें। बाय।